एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व जो है वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक सवाल सॉल्व करे थे, आज हम सेवन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर फोर डिवाइडेड बाय थ्री एल स्क्वायर बी डब्ल्यू होल क्यूब डिवाइड होल क्यूब सॉरी होल पावर सिक्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास पावर ऑफ क्वेश्चन ला था एक्सपोनेंट का वो अप्लाई करेंगे। उसके अंदर क्या था, हमारे पास जो पावर होती है वो सबके साथ अपॉन में रखी जाती है। तो यहाँ पे देखें, टू के ऊपर में सिक्स पावर आ गई, यहाँ ए के ऊपर ऑलरेडी टू है तो टू आ गया, मल्टीप्लाई बाय सिक्स क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे क्या है, बी आ गया, बी के ऊपर थ्री ऑलरेडी पावर है मल्टीप्लाई बाय सिक्स, सिक्स यहाँ से आ गया। सी के ऊपर ऑलरेडी फोर पावर है मल्टीप्लाई बाय सिक्स क्योंकि सिक्स की पावर है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय थ्री पावर सिक्स। उसके बाद ए के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी था टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स, बी सिक्स डबल थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स, थ्री यहाँ पे है और सिक्स यहाँ से है। तो यहाँ पे सिर्फ पावर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है उसको थोड़ा सोल्व कर लें। टू के ऊपर सिक्स पावर है, ए के ऊपर सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व, बी के ऊपर सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करें एटीन, सी के ऊपर सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय सिमिलरली थ्री के ऊपर सिक्स पावर आएगी टू के ऊपर सॉरी एल के ऊपर ट्वेल्व बी सिक्स डब्ल्यू एटीन एटीन क्योंकि सिक्स को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एटीन आंसर आएगा। ये आ गया आपका सवाल। सिमिलरली यही सवाल यानी कि एक्शन प्लान बी के से ही करना है। यहाँ पे क्या करना है, सेवनटीन बी पावर सेवन सी पावर फाइव डिवाइडेड बाय सेवन एक्स क्यूब बाय स्क्वायर होल पावर टू यानी कि स्क्वायर। तो यहाँ पे सेवनटीन के ऊपर स्क्वायर आएगा, बी के ऊपर सेवन ऑलरेडी है तो सेवन मल्टीप्लाई बाय टू, सी के ऊपर फाइव मल्टीप्लाई बाय टू फाइव यहाँ से टू यहाँ से डिवाइडेड बाय सेवन के ऊपर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है तो एक्स पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, वाई पावर टू मल्टीप्लाई बाय टू। सिर्फ पावर की मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सेवनटीन को सेवनटीन टाइम्स मल्टीप्लाई करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा टू हंड्रेड एटी नाइन, बी के ऊपर पावर टू सेवन जा फोर्टीन, टू फाइव जा टेन एंड सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, एक्स के ऊपर पावर सिक्स आएगी और वाई के ऊपर पावर फोर आएगी। अब ये अगर सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पावर को नीचे वाले पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नाइन आप खुद करोगे, दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन के अंदर थोड़ी चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज है वो इक्वल वैल्यूज है। यहाँ पे क्या है, माइनस थर्टी टाइम्स एक्स पावर टेन वाई एट डिवाइडेड बाय माइनस फाइव एक्स पावर क्यूब होल स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर उसके बाद होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें एज इट इज सवाल लिखा हमने। यहाँ पे देखें माइनस को माइनस से कैंसिल करो, फाइव को टेबल फाइव पे वन टाइम एंड थर्टीन पास सिक्स टाइम तो यहाँ पे आ गया सिक्स। यहाँ पे देखें प्लस स्क्वायर को छोड़ दें एज इट इज रख दें, फिलहाल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है तो उसको पावर रूल से सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है तो पावर माइनस होगी, टेन में से थ्री माइनस होंगे, उसके बाद एट में से टू माइनस होंगे, तो ये सवाल ये नहीं होगा, ये आगे थोड़ा बढ़ेगा इसका हो गया। अब यहाँ पे देखें होल पावर क्या है हमारे पास, स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास अभी। अब क्या करेंगे, सिक्स के ऊपर भी स्क्वायर दे देंगे, एक्स के ऊपर सेवन टाइम्स टू y के ऊपर सिक्स टाइम्स टू क्योंकि टू जो होल पावर है वो सबसे मल्टीप्लाई होगी, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स एक्स पावर फोर्टीन y पावर ट्वेल्व, सो दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर इलेवन भी ऐसे ही करेंगे। क्या है हमारे पास, थ्री ए क्यूब बी पावर बी स्क्वायर सी पावर सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर जेड होल पावर माइनस फाइव। तो यहाँ पे आप सिमिलरली ऐसा ही करोगे जैसा हमने यहाँ पे क्या करोगे, बस यहाँ पे सिर्फ आपको क्या चेंजिंग करनी है, रेसिप्रोकल करना है क्योंकि जो पावर्स हैं वो सारी की सारी नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, हमें कहा चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स फाइव वाई फाइव जेड फाइव डिवाइडेड बाय नीचे वाले ऊपर वाले वैल्यूज नीचे आएंगे यानी कि ए पावर फिफ्टीन बी पावर टेन सी पावर थर्टी, क्लियर, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर्स थे।
तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होगा। यहाँ पे क्या है 12 m^4 n^3 p^2 / 6 m^2 n^3 तो ये जो सवाल है ये एज इट इज ऐसा ही है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 6 और 12 को डिवाइड कर दोगे, m स्क्वायर यहाँ पे m पावर 4 है, 4 में से 2 माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा, बाकी जो बचा उसके ऊपर होल स्क्वायर पावर दे देनी है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो गई।